अभी आपने मुझे समंदर दिखाना है, समंदर आपको दिखाता हूँ थोड़ा ठीक। ये लिखा हुआ है सही, मेरा सोना शहर चकवाल। इसमें हमारे वो मुर्शिद साहब अभी अगवा हो चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इन तक पहुंचने की, ताकि अगवा होने से इनको बचा लें। चकवाल की जो है ना मशहूर रेवड़ी, सही रेवड़ी शेवड़ी लेनी हो ना तो हमें बताइएगा, हम भिजवा देंगे, कराची भी भिजवा देंगे। साईं अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? साईं आज चौकड़ी फिर निकली है जरा बाहर, और साईं रमजान का वो महीना है, ये जैन साहब को और शेख साहब को भी सुकून नहीं आता, कहते बस भाई रमजान है तो क्या हो गया, रोजा रोकता तो नहीं है कि बाहर जाओ को काम शाम करो। बहरहाल आज साईं हम जा रहे हैं चकवाल, साईं चकवाल ना चकवाल, ये जैन साहब हैं और साथ मौलाना साहब हैं, शेख साहब हैं, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ रहे, आज आपको सही पंजाब का शहर वो जो चकवाल है ना वो देखा मैंने भी नहीं है बाबा, आज देखते हैं, पता नहीं अभी इसका मतलब क्या है। अच्छा आपने देखा है बाबा, मेरा रास्ता ही वही है। अच्छा सही, कराची की तरह है या छोटा है? कराची से बड़ा है, कराची से बड़ा है, समंदर है बाबा उसमें? मैं कहता हूँ सारा समंदर ही समंदर है, हर गली में समंदर है। वाह सही, सही फिर ये देखना चाहिए करा चकवाल का समंदर, आपको हर गली में समंदर नजर आएगा, चकवाल का समंदर सही जरूर देखना चाहिए, कराची का समंदर ये बता रहा है भूल जाएगा। तो आगे चलते हैं बाबा, आपको बताते जाएंगे इंशाल्लाह। सही ये सारा वो बाबा जीटी रोड है जो लाहौर की तरफ हम जाते हैं ना, वो जो पहला विलाग आपने देखा है ना, जो नहीं देखा तो सही वो देख लीजिएगा, सीधा लाहौर तक वो हम गए हैं तो उसी पे जा रहे हैं। आगे ऐसे वो एक टूल प्लाजा आ जाएगा, उससे आगे फिर एक दो छोटे कस्बे आएंगे और साथ ही सही फिर वो आगे हम चकवाल की तरफ निकल जाएंगे। साईं ये आ गया मंदरा बाबा टूल प्लाजा, गाड़ी भी आगे चलो ना, सही टूल प्लाजा भी देंगे, बड़ा तजर्बा सही। ये हम पहुंच गए हैं सही मंदरा, सही मंदरा मंदरा क्या मंदरा, हाँ सही ये मंदरा हम पहुंच गए और मंदरा क्रॉस करके मेरा ख्याल है चकवाल की तरफ जाएंगे। ये मंदरा तकरीबन खत्म हो गया, ये बोर्ड आ रहा है सी मंदरा एंड, और सही ये आगे जो बोर्ड आ रहा है ना इस पे लिखा हुआ है सही सरगोधा चकवाल लाहौर। तो बाबा हमने तो फिर वो चकवाल जाना है ना, ये बस मंदरा क्रॉस किया ना तो ये सही चकवाल वाला रास्ता है बाबा, चकवाल इधर सज्जे हाथ पे आएगा ना, हाँ सही सज्जे हाथ पे ये चकवाल आएगा बाबा, ये गाड़ी फेर के इधर लेकर आओ सही, पता चले सूरज उधर से निकल रहा है। सही ये आ गया, वाह सही वाह, वाह
बाबा अभी जो है ना वो रमजान है, खाना पीना जो है ना फिर अफ्तारी के बाद ही होगा। भाई ये हम जीटी रोड से जो है ना टर्न करके आ गए हैं और ये अब जिस सड़क पे है हम हैं तो मेरा ख्याल है ये चकवाल को जाती है। सही है, सही है, चकवाल ही। चलें सही, आगे चलते हैं, आप भी साथ हैं। सही, ये आपको दिखा रहा हूँ बाबा, ये पंजाब का जो पोठोहार का इलाका है ना। सही, इधर ये आप देखें, सही वो फसलें आप देखें कैसी हैं, गांव कैसे हैं। और सही सुना है कि जगह भी बड़ी कीमती कीमती जगह हैं ये। बहरहाल सही, वो तो इनके इलाके को अल्लाह इनको नसीब करे। बाकी आपने वो गांव देखे होंगे सिंध के, सही फिर बलूचिस्तान के, तो बाबा आपको इंशाल्लाह सिंध के बलूचिस्तान के गांव भी दिखाएंगे, ईरान के भी दिखाएंगे, इराक भी चले जाओ, इराक भी जाएंगे। सही, आगे चल के सही आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे गांव के घर भी बड़े बड़े घर हैं। ये जितना इलाका सरसब्ज माशाल्लाह आप देख रहे हैं सही, ये इधर के गांव हैं। सही, ये गांव देखें आप माशाल्लाह। वाह सही, वाह क्या नजारे हैं। सही जातली, हमारे यहाँ से वो बदीन सिंध वाली साइड है, मातली तो है, मातली है ये तो सही, वो जातली है बाबा। ये हमारे वो मातली का नाम इन्होंने कॉपी किया है यकीनन, ये उधर मातली है ना, आपने देखा है अदर साहब? हाँ जी, मैंने भी देखा। हाँ, आप भी गए थे ना, मातली देखा है बाबा। ये वो देखो मातली बहुत बड़ा शहर है एक, और वो पूरा सही तालका है, और इन्होंने वो हमारा नाम चुराया बाबा। अच्छी बात है, देखो बदीन का नाम चकवाल में भी है। ये सारा वो जातली है, अभी मैं किसी दिन आपको मातली भी दिखाऊंगा कि मातली तो सही बहुत बड़ा शहर है। सही ये आ गया है सही डडियाल, डडियाल पता नहीं डडियाल बाबा। आस्ते आस्ते ख्याल करना सही, ये इधर लोग मारेंगे। सही ये डुडियाल शहर, मेरा ख्याल है सही ये शायद चकवाल का तालका है, तहसील। हाँ सही, तहसील तालका, वो सही उर्दू में तहसील कहते हैं ना, हमारे यहाँ सिंधी में तो सही तालका कहते हैं। ये बाबा इधर पार्क भी है, बाबा चिंची तो आपको पता है पाकिस्तान का नक है, हर जगह मिलेगा सब ऊपर वाले इलाके जो है पहाड़ी इलाके वहाँ पे जरा चिंगची कम मिलेगा, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में चिंगची आपको मिलेगा। वाह सही वाह, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, नसीबों वाली। वाह सही, ये बाबा चकवाल आ गया है, और चकवाल शहर के अंदर हम अभी दाखिल होने लगे हैं।
और अगर आपकी इजाज़त हो तो सही फिर चकवाल में जाएं, आपको अफ्तारी के बाद रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ खिलाएंगे। और इधर वो जैसे भाई बता रहे थे बड़ा समंदर है, सही वो समंदर भी देखेंगे। हवाई और चकवाल वाला समंदर हमें दिखाना है। मैं दिखाता हूँ सही, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा समंदर है बाबा, ये तो घर है बाजारे है। अच्छा बाबा, ये इधर मस्जिद भी है, अभी नमाज पढ़ते हैं। सेल जा रही है इधर। सही, ये अभी चकवाल शहर में, और सही ये भून रोड है, पता नहीं भूंड रोड है, भून रोड मेरा ख्याल है, भून रोड कहते हैं भून, और नहीं इस रोड का नाम बाकी है। तो सही है चकवाल में शहर चकवाल। अच्छा ये रावलपिंडी रोड है, तो आप तो कह रहे थे भून रोड है। आगे से राइट होंगे तो भून रोड आ जाएगा। हाँ तो सही, पहले टाइम से बताओ ना, तो वो फिर देखो ये जिस बंदे ने चकवाल घूमा हो वो तो ये कहेगा ना कि यार जमाली आप तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। चले भाई, ये रावलपिंडी रोड है चकवाल शहर में। अच्छा शहर है, क्या ख्याल है शहर अच्छा है? साफ सुथरा शहर, साफ सुथरा शहर है। अभी आपने मुझे समंदर दिखाना है, समंदर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। हाँ कोई मसला नहीं है बाबा, आप उधर से आए इस्लामाबाद से, तो चकवाल का समंदर भी ना देखे तो ये क्या बात हुई? आप कराची आए थे, आपको मैंने कराची का समंदर दिखाया था ना, तो फिर सही ये बात तो ना करो ना, मुझे चकवाल का समंदर ना दिखाओ। अच्छा सही, ये लिखा हुआ है सही, मेरा सोना शहर चकवाल, ये देखें ये लिखा हुआ है। चकवाल शहर में जो सूरज है ना, वो भी रोड के बीच में आता है। ये भोन रोड है, ये भोन रोड है, ये है भोन रोड। बाबे चकवाल आई है, ये है बाबे चकवाल। अगे हम तुम अगर गड्डी लेके जानी है ना, थोड़ी मर्जी है, वैसे जाएगी गड्डी नहीं जाती, पहलवान रेवड़ी सही, इधर की रेवड़ी बड़ी मशहूर है। और असल रेवड़ी कौन सी है ये तो अभी चकवाल वाले ही जाने, इधर तो सारे लिखते है। ये भोन रोड, घंटे से हम भोन रोड ढूंढ रहे थे, अभी जाके मिला है ये भोन रोड। पता नहीं भूंड सही, हमारे सिंधी में तो वो भूंड उसको कहते हैं, खखर को वो जो। बाबा इधर गाड़ी लगाओ ना, वो दोस्त आ जाता है तो फिर उसके साथ मिलते हैं। ये जी बिछड़े हुए यार मिले हैं आज। अस्सलाम वालेकुम।
ये जी हम एक दोस्त के साई फातेहा पे आए थे, वहाँ से फातेहा करके निकले हैं। तो ये ज़ुल्फ़िकार अब्बास भट्ट साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। बेसिकली तो वो मौलाना अजहर साहब और जैन साहब के दोस्त हैं, उनकी वसातत से फिर हमारे भी दोस्त हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको कहीं खुशबू लग गई कि जी वो भट्ट साहब के जो मुर्शिद हैं मौलाना अजहर साहब और खलीफा जैनुल आबदीन साहब आ रहे हैं। उन्होंने सही पता नहीं किस तरह जीपीएस से हमें आगे ढूंढ लिया और पकड़ लिया है, और वो मुर्शिद को उस गाड़ी अपनी में बिठा लिया है। और ये जो साईं खलीफा साहब, ये क्या अचानक छापा लग गया है बाबा? बस जनाब अब आगे जाना पड़ गया। शेख साहब भी बिल्कुल खामोश हैं। शेख साहब प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, बढ़ गया बढ़ गया। बाबा 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 जी हाँ तो कूड़े ना, अच्छा समोसे ना। ऐसे ही आगे जो गाड़ी है ना बाबा, ये सिविक होंडा सिविक सही, ये जो काले कलर की सही, इसमें हमारे वो मुर्शिद साहब अभी अगवा हो चुके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इन तक पहुंचने की ताकि अगवा होने से इनको बचा लें। बाकी देखते हैं सही क्या बनता है। देखे ना वो ऊपर लिखा भी हुआ है भट्ट, भट्ट की गाड़ी है सही। बाकी सही भट्ट साहब की मर्जी है। सही ये बाबा तला गंग रोड है माशाल्लाह सही। ये देखें कितना प्यारा इस पे कलमा लिखा हुआ है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस वो कह रहा है जिधर सूरज जा रहा है उधर ही हम जा रहे हैं। वो तो पीछे सी ना, मैं तो आज से तो नो बस सही सफर रोड हम छोड़ दियो बस। आप सदर किते लेके जा रहे हैं हमारे साहब? किते हो नहीं कोई होटल चाल पता नहीं सही किते ले जा रहे हैं। ये शोदा पार्क है माशाल्लाह जबरदस्त। कढ़ाई बना दे रोटियां तड़के दी लगन गिया कड़कड़ कर दी वो खाइए ते जाइए कार और मशरा दे दियो आ जाए। सही है रॉयल ऑर्चर्ड कोई होटल है सही, इधर आके अफ्तारी कर लेते हैं। चाय पराठा वाह खोलो खोलो सही खोलो इस बोतल को। हाँ तो सही हमने बाबा अभी खाना खा लिया है, और ये जैन साहब भी साथ हैं और शेख साहब भी वो पीछे देखे निकल आए हैं खाना खा के। तो ये अभी खाना खा के तो बस चकवाल से फिर निकलते हैं, थोड़ा बहुत आपको चकवाल की सैर कराते हैं। सही शेख साहब फिर वो चकवाल कैसा लगा बाबा? चकवाल बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। अफ्तारी कैसी रही? ज़बरदस्त। खाना भी अच्छा था माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अभी क्या प्रोग्राम है? चाय पीते हैं। फिर चाय पीते हैं किसी कोयटा होटल पे। यस ठीक है इंशाल्लाह। फिर तो दोस्तों चलते हैं किसी कोयटा होटल पे चाय पीते हैं, उसके बाद फिर वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं। एक दोस्त
सही ये अभी वापस हम वही चकवाल शहर की तरफ तला गंग रोड पे हैं और सही आगे चल के कुछ चाय शाय बाबा पीते हैं तो चाय पी के तो फिर वो क्या कहते हैं भाई शूटो शूट भाई बस फिर निकलते हैं इधर शेख साहब भी बेचारे थक गए हैं और मौलवी अजहर साहब भी जो है ना वो थक गए हैं आज मौलवी ने खाना भी ज़्यादा खा लिया है अभी तो बोला भी नहीं जा रहा था इसे चाय मंगाए चाय मंगाए कितने चाय पराठे पराठे भी खाने पूछ लेते हैं थोड़ा जा मासा जा सही खाने का अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहा अभी आप तो खाना खाने की बात कर रहे हो नहीं खाया ये हमें पता होता तो हम थोड़ा खाते थे फिर आपसे पराठे खाते थे पराठे की जगह रख लेते और वो भी कीमे वाले पराठे ये चाय आ गई है देखते हैं चाय कैसी है चले साईं अभी जो ना इधर हम आ रहे हैं वो पहलवान रेवड़ी लेने के लिए मलक अजहर साहब जो है ना लब रहे हैं दो दुकानें बंद भी लिए हाँ तीसरी पे आ गए अभी यहाँ पे आके रेवड़ी लेते हैं ठीक है ना ये सही है पहलवान रेवड़ी बड़ी मशहूर है इधर की चकवाल की जो है ना मशहूर रेवड़ी नहीं रेवड़ी शेवड़ी लेनी हो ना तो हमें बताइएगा हम भिजवा देंगे कराची भी भिजवा देंगे ठीक है ना भाई बहुत शुक्रिया चलो भैया ये है पहलवान रेवड़ी चकवाल सही चकवाल की बंदा निशानी तो ले जाए ना साथ सही ये भूंड रोड है इधर भूंड बड़े मिलते हैं पता नहीं सही अगर कोई चकवाल से भाई हमारी वीडियो देख रहा है तो जरा थोड़ा बताइएगा तो बाबा ये भूंड रोड क्या चीज है या भून रोड है जरा स्पेलिंग सही बताइएगा कि ये इसका सही स्पेलिंग क्या है बाबा हम तो अभी सिंध से आए हैं तो हमें तो इतना पता नहीं है ना इसका स्पेलिंग
स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन नाम मुझे पता है कि इसका भून नाम है। भून नाम है। अच्छा सही, जो चकवाल के रहने वाले दोस्त हैं ये बताएं भून का मतलब क्या है, या इस रोड का जो नाम है भून रोड इसकी हिस्ट्री क्या है सही, ताकि जो बाकी देखने वाले हैं वो कमेंट्स पढ़ें तो पता चले कि जी क्या इसका मतलब है। तो चकवाल वालों लव यू सही, तमाम चकवाल वालों के लिए लव यू सही। निकलो टॉक फॉर टॉप निकलो सही। बहुत लेट हो गया सही। सही कोई मसला नहीं है, मज्जा चोड़िया ना। सही ये वापस हम वो मंदरा टूल प्लाजा के पास पहुंच गए और टाइम हो गया है 9:45 और सही ये जो एवरेज गाड़ी दे रही है माशाल्लाह सही सोच भी नहीं सकते। ये देखें 27.6 किलोमीटर पर लीटर, वाह सही वाह, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए सही। बंदा तो फिर लाजवाब है ना ये जैन साहब। वाह सही वाह बाबा, ये अभी देखे ना अपना शहर अपना होता है सही। वापस अपने घर आ रहे हैं अभी, थोड़ा सा मजे में आ गए जहनी तौर पे, सारा दिन की भाग दौड़ और काम काज के बाद सही इंशाल्लाह आपको ये पिंडी इस्लामाबाद और आसे पासे के जो शहर हैं वो आपको दिखाते रहेंगे, जहाँ जहाँ हम जाते रहेंगे। लेकिन मज़ा आता है जब सारे इकट्ठे हों, आज बड़े दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। बीच में सही आपका ये दोस्त अख्तर जमाली बेचारा बीमार भी हो गया था, बड़े दिन बीमार था, अब इस वजह से कोई व्लॉग वगैरह भी नहीं बना सका। वाह से वाह ये चमक दमक गाड़ियों की देख रहे हैं बाबा। सही ये खैर वाफियत से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना रवात पहुंच गए। रवात बाजार भी सही तकरीबन अब बंद हो गया है, एक तो माशाल्लाह रमजान शरीफ है, दूसरा टाइम भी सही अब 10 तकरीबन बज गए हैं। जैसे रवात क्रॉस कर लिया है अभी आगे से वो टी चौक आएगा, टी चौक से फिर हम या तो सीधे हाथ पे हो जाएंगे या सीधा आगे जाके DHA के गेट नंबर 4 से सही दाखिल होंगे। गेट नंबर 7 से जाओगे बाबा? चलो ठीक है सही, गेट नंबर 7 से जाएंगे हम। सही ये रात का टाइम है ना, रात के टाइम ये ट्रक और टैंकर वगैरह सही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से ये इनको दाखिले का टाइम भी जो है ना रात के टाइम मिलता है इस्लामाबाद में। तो रात के टाइम जब आप आते हैं ना ईशा के बाद, तो आपको इधर ट्रक और ट्राले ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नहीं ये अगर हम सीधा चले जाएं तो बाबा रावलपिंडी सदर में चले जाएंगे अभी, और हमने जो है ना वो सीधे हाथ पे टर्न लेना है। ये सही अभी हम इस्लामाबाद हाईवे पे टर्न कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाईवे से सीधा ही थोड़ा आगे आपको पता है DHA सही अभी इस्लामाबाद हाईवे में आ गई और सामने सही सज्जे हाथ पे भी DHA सही और खब्बे हाथ पे भी DHA। ऊपर ये आप देख रहे हैं ना
बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्ड? हाँ। वाह सही वाह। बाबा हमारी उर्दू जरा ठीक नहीं है ना, क्या करें, आपको पता ही है सही। अदर साहब फिर आप मजाक करते हैं गरीबों के। सही, ये अभी हम आ गए हैं DHA फेज 2 के पास। सही, ये अगर सीधा चले जाए तो हम साथ ही आ गए सही फैसल मस्जिद। और ये अभी हमने जाना है खब्बे हाथ में सही DHA फेज 2 का जो गेट नंबर 7 है उधर। ये सही माशाल्लाह कितना खूबसूरत गेट बना हुआ है, गेट नंबर 7 DHA फेज 2 का। वाह सही वाह, क्या बातें हैं इसकी भी। सही इंशाल्लाह आपको इसका जो ना डिफेंस का अंदर से भी जो ना विजिट करवाएंगे किसी दिन पूरा मुकम्मल रोडों का। सही, आपने हमें फिर उस वीडियो में आपने जकरांडा क्लब भी दिखाया। सही जकरांडा क्लब भी दिखाऊंगा, वो बर्गर वाला चौक जो बर्गर वाली दुकान है मैकडॉनल्ड्स वो भी दिखाऊंगा। सही, आप हमें कभी ले के नहीं गए। सही वो बस मुझे पसंद है वो अंडे वाला बर्गर। नहीं नहीं हम जकरांडा की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उधर वो अंडे वाला बर्गर मिलता नहीं है सही, वो अंग्रेजी बर्गर मिलता है वो आपको पता है। हम देसी बंदा है वो पसंद ही नहीं करते। हाँ बाबा मेरा गाड़ी उधर खड़ा है, मेरी शहजादी जो गाड़ी है वो उधर है तो उधर ले चलो। ये सही हम आ गए ये जे ब्लॉक में, इधर ही साथ ही सही है वो आपके भाई का गाड़ी उधर खड़ी है। वाह सही वाह, क्या रौनक है जे ब्लॉक की। अदर साहब इस इलाके को जानते हैं ना आप? जी जी सर, मैं इस इलाके को जानते हैं ना। बाबा बाबा ये देख दो बहनें खड़ी हैं आपस में, छोटी बहन आगे फिर बड़ी बहन। जी अदर साहब सही आ गए शापर। बाबा निकाल दो वो रेवड़ियों वाला। नहीं शापर, आगे था शापर। नहीं एक शापर तो मेरा है बाबा।